हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि कल वाला जो एग्ज़ाम था आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत नॉर्मल लेवल का था, बहुत इजी था, तो आई थिंक स्कोर भी आप मैथ्स वाले पार्ट में अच्छा कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल पेपर भी अच्छा था, तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा सब ट्यूटोरियल। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, राइट। तो ना नाइन्थ क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3 times ए बी सी हो जाता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो। बहुत कॉमन प्रॉपर्टी थी और ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टी पे था, राइट। कैसे था? अगर आप इस क्यूबिक इक्वेशन को देखें जो है 2x³, देन फिर उसमें कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, देन माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ, अगर इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा गामा है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सम ऑफ द रूट्स होते हैं हमारे माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी माइनस ज़ीरो अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 2, यानी ये 0 है, यानी इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 times अल्फ़ा बीटा गामा, यानी 3 times प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है क्यूबिक इक्वेशन में वो होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी ये माइनस हाफ दे रखा है। तो ओवरऑल ये रिजल्ट आ गया हमारे पास -3/2। तो इसका आंसर -3/2 होगा, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी तो बहुत इजी था क्वेश्चन आपसे ना, अगर लैम्डा पूछते तो थोड़ा लेंथी हो जाता, बट अल्फ़ा पूछा था बहुत ही क्वेश्चन आसान था। कह रहा अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें पता है सम ऑफ द रूट जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -6। और साथ में हमें एक और इक्वेशन दे रखी है 3 alpha प्लस 2 beta इक्वल टू -20। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो क्योंकि अब अल्फ़ा चाहिए तो बीटा को हटाने के लिए मैंने ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता हूँ तो ये कट जाएगा। तो 3 में से 2 alpha चला गया तो अल्फ़ा बच गया -8 और हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा। बाई चांस अगर वो पूछता बीटा निकालो तो हम इन दोनों को माइनस कर देते या फिर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस, मतलब हम अल्फ़ा को रिमूव कर देते बेसिकली कॉफिशिएंट बना के फिर माइनस कर देते। नहीं तो इसके बाद भी आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करके बीटा निकाल सकते हैं। बीटा हो जाएगा -6 + 8। और अगर वो पूछते लैम्डा निकालो तो लैम्डा हमारा प्रोडक्ट का रूट्स है तो आ जाता -16। तो इस तरह से हम कर सकते थे, राइट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं 3 distinct नंबर यानी ए बी सी 3 different नंबर हैं जो जीपी में हैं। तो हम मान लेते हैं वो 3 number ए ए आर और ए आर स्क्वायर है, यानी मैंने इस बी को ए आर मान लिया और सी को ए आर स्क्वायर मान लिया और ए को एज इट इज रहने दिया और आर इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये नंबर में हमें कॉमन रेशियो बताओ अगर ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए पी में। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना कि अगर एक्स वाई जेड ए पी में होते हैं तो मिडल टर्म का डबल बाकी तो टर्म के सम के इक्वल होता है। तो उसी लॉजिक से अगर बी प्लस सी ए प्लस बी और सी प्लस ए पी में है तो 2 times बी प्लस सी यानी बी प्लस सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द अदर टू ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब इन दोनों के सम के इक्वल यानी ए प्लस ए आर प्लस सी प्लस ए यानी ए प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ 2 AR में से एक ए आर चला जाएगा तो इधर बचेगा ए आर और यहाँ पे 2 AR में से एक ए आर स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा ए आर स्क्वायर और इक्वल टू ए प्लस ए हो गया यानी 2A हो गया। तो मैं ए कॉमन लेके कट कर देता हूँ क्योंकि ए तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो सारी टर्म 0 सेम आ जाएंगी 0 0 0 यहाँ पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर डिस्टिंक्ट है। तो मैंने ए कॉमन लेके कट कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन हो गई आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2, तो 2 को इधर ले आ गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग कर देते हैं तो मैंने इसको लिख दिया +2R - R -2 = 0। इसमें से
हमने क्या किया, फैक्टर बना लिए इस तरह से। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस टू और r की वैल्यू वन। r की वैल्यू वन हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि अगर r वन हो गया बेटा तो a ar ar स्क्वायर सब a हो जाएगा, सारी टर्म सेम हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, डिस्टिंक्ट रूट है। तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा माइनस टू, ऑप्शन होगी आप लगा सकते हैं, राइट। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अभी कह रहा है ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, बट इजी था ये भी। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 26। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई ए, फिफ्थ टर्म हो गई हमारे पास ए प्लस फोर डी इक्वल टू 26 दे रखी है, यानी ए प्लस फोर डी सॉरी 2a प्लस 4d हमारे पास हो गया 26। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो a प्लस 2d आ गया हमारे पास 13। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अभी देखना आप। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हमारी क्या होती है a प्लस डी, और फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, इसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 160। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, a प्लस डी को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बनाने के लिए a प्लस 2d माइनस डी, क्योंकि 2d में से d माइनस करोगे तो ये आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d प्लस डी, यानी ये बन गया 13 माइनस डी और ये बन गया 13 प्लस डी, जिसको हमने जब सॉल्व किया तो आ गया 169 माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो डी स्क्वायर 9 आ गया, डी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आ गई। ठीक है, तो अगर मेरे पास डी प्लस 3 होगा, अगर डी मेरे पास प्लस 3 होगा तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, डी प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 6, ठीक है 7, और अगर डी मेरे पास माइनस 3 होगा तो ये बन जाएगा माइनस 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ए बन जाएगा 19। तो हमसे पूछा था सम ऑफ सिक्स टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, एन बाई टू यानी 6 बाई टू, ठीक है, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n तो 6 है यानी 5d। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ 6 होगा टेन, तो मेरे पास आंसर आएगा 3a मतलब 3 इंटू 2a, तो a फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 14, डी हो जाएगा 15, तो 29 इंटू 3 87, यानी इस केस में सम ऑफ सिक्स टर्म आ जाएगा 87। और अगर इस केस में करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2a, 2a मतलब 19 इंटू 2 38 प्लस 5d यानी माइनस 15, तो 23 हो जाएगा इंटू 3 69। तो सम ऑफ द टर्म्स या तो 69 होगा या 87 होगा, ऐसी ऑप्शन थी आप देख सकते थे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया, कह रहा अगर इसके रूट्स के क्यूब हैं तो ये क्वेश्चन बता। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस एम, अल्फा बीटा हो जाएगा एन। ठीक है, अब वो कह रहा है जो दूसरी इक्वेशन है यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स इसके क्यूब हैं, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो जाएगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होगा वो माइनस पी हो गया और अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब क्यू हो गया, राइट। बट हमें तो यहीं से क्वेश्चन बन गया, कैसे, अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कर दूं तो बन जाएगा माइनस एम का क्यूब, और इसका फॉर्मूला खोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस एम क्यूब। ये हमारे पास माइनस पी है, अल्फा बीटा एन है, और ये हमारे पास माइनस एम है। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो एम क्यूब को उधर ले जाऊंगा, पी को उधर ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ये p इक्वल टू एम क्यूब माइनस 3mn, और यही हमें प्रूव करना था, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शंस थी तो आप देख सकते थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्या कर रहे हैं, हमें इसका सम निकालना, तो लेट कर लेते हैं सम है, और इस समय साइन का मतलब होता है समेशन,
तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू 1 से लेके 20 तक पुट करनी है, मतलब के को पहले 1 पुट करना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो जब के को 1 पुट करोगे 1 अपॉन 2 की पावर 1, फिर प्लस क्योंकि सम है 2 अपॉन 2 स्क्वायर, फिर 3 अपॉन 2 की पावर 3, और चलते रहेंगे कब तक, जब तक n 20 नहीं आ जाता, k 20 नहीं आ जाता। अब हमें ये क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये ए जी पी सीरीज़ है, क्योंकि ऊपर ए पी सीरीज़ बन रही है इंटू 1/2 का स्क्वायर जी पी सीरीज़ बन रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जी पी सीरीज़ का जो रेशियो है ऐसे 1/2 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मैंने इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और शिफ्ट कर दिया। तो इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सेकेंड के नीचे लिखेंगे, सेकेंड टर्म को थर्ड के नीचे लिखेंगे, ऐसे ये जो 19 टर्म है उसको 20 टर्म के नीचे लिखेंगे, और ये बन जाएगा 20/20^1/2। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस, तो क्या हो जाएगा, एस में से एस बाय टू गया तो एस बाय टू रह गया, यहाँ रह गया 1/2, यहाँ रह गया क्योंकि एलसीएम सेम है, दो में से एक गया 1/2 स्क्वायर, 1/2 का क्यूब और सो ऑन, यहाँ पे रह गया 1/2 की पावर 20, ठीक है, और माइनस 20/2 की पावर 21 एज इट इज रह गया। ये बन गई जी पी सीरीज़, और जी पी सीरीज़ का सम क्या होता है, जी पी सीरीज़ का सम होता है ए इंटू 1 r की पावर n/1 r। तो a हाफ है, r भी हाफ है और नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, तो इसका सम निकालते हैं। तो बन जाएगा s बाय टू a इंटू 1/1/2 की पावर 20/1 r और माइनस 20/2 की पावर 21, ये एज इट इज रह गया, ठीक है। ये 1 - 1/2 से कट गया, तो s बाय टू क्या आ गया मेरे पास, 1 - 1/2 की पावर 20 - 20/21। अब इसकी पावर, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 1/2 की पावर 20, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी होता है सेम होता है। अब ना यहाँ 2 की पावर 20 है, यहाँ 2 की पावर 21 है, तो मैं सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी कर दिया। अब इसे क्या हो गया, एलसीएम ले सकता हूँ इन दोनों का मैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा एस बाय टू इक्वल टू 1 - 2/20 - 22/2 की पावर 21, ठीक है। अब 2 को उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा एस इक्वल टू 2 - 44/2 की पावर 21। ये 4 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 - 11/2 की पावर 19। तो इस तरह से हमने सब निकाल लिया, और आप देख सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू था तो वहाँ पे तो ये ऑप्शन आपको दिखी गई होगी कि क्या है, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हमारा सब आ गया, क्योंकि हमें दिख गया कि ये एपी सीरीज़ और जीपी सीरीज़ का प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ही इसको बना डाला, ठीक है। तो कुछ और जो क्वेश्चन रह गए हैं मैं वो भी फटाफट अपलोड कर दूँगा जल्दी, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं, मैं इसकी पिक भी भेज दूँगा। तो हमारा आंसर ये आ गया, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, थैंक यू।